Good morning, everyone. Continuing with our next topic, steps in product positioning. According to Flip Kotler, जो positioning जब आप करते हैं अपने product की, तो उसमें तीन steps involved होते हैं. पहला, identify करना possible competitive advantages को, choose करना आपकी right competitive advantages क्या हैं, then signaling the competitive advantage. पहला है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. जो फर्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, वो ये होता है कि आप अपनी जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो उसको फाइंड आउट करें. एडवांटेज का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ क्या है ओवर योर कॉम्पिटिटर. जो कॉम्पिटिटर है, जो भी उसकी इमेज है, उसके कंपैरिजन में आपके पास क्या स्ट्रेंथ है आपकी प्रोडक्ट की, आपकी कंपनी की, आपकी इमेज की, जो आप कस्टमर्स के माइंड में बना सकते हैं. जैसे क्या आप कॉस्ट लीडरशिप अगर हम बात करें तो कॉस्ट में लीडर हैं आप. मतलब लीडर, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कि आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर सकते हैं और मिनिमम करके आप कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट को लेस प्राइस पर बेच सकते हैं. वो कॉस्ट लीडरशिप का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं उस चीज को. सेम तरीके से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया कि जो कॉम्पिटिटर है उसके कंपैरेटिवली जो आपका प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन आप क्रिएट कर सकते हैं या नहीं. तो जो भी आपका पॉसिबल एडवांटेज हो है कॉम्पिटिटर की कंपैरिजन में, उसे आप आइडेंटिफाई करते हैं. द नेक्स्ट इज चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. एक कंपनी के पास बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं. उसमें से कौन सा एडवांटेज जो है उसे नंबर वन पे रखना है ताकि वो कम्पीट कर सके कॉम्पिटिटर के साथ, वो उसे चूज करना है. अब जब आप उसे चूज करेंगे, उसी के अराउंड जो आपकी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है वो फोकस करेगी. सपोज एक जो कंपनी है कंपेयर टू कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी में बेस्ट है या कॉस्ट क्वालिटी में हो सकता है या सर्विस में हो सकता है, लेकिन इनमें से उसे क्या चीज है जो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उसे अपने कस्टमर के माइंड में क्रिएट करनी है. और इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अगर आपका जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, तो जो कस्टमर है उसके माइंड में कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की क्या इमेज है. कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बोल रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा सुपीरियर दिखा सकते हैं अगर आपकी जो एडवांटेज है वो क्वालिटेटिव भी है. या अगर आप क्वालिटी के साथ साथ आप सर्विसेज जो है अपनी वो आप ज्यादा बेहतर दिखा सकते हैं प्रोडक्ट में. तो वो डिपेंड करेगा आपके कॉम्पिटिटर की जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग कि आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को चूज करते हैं जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी. देन सिग्नलिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. जो लास्ट स्टेप है आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग का, वो है कि कंपनी सेलेक्ट करती है अपनी ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को और उसे इफेक्टिवली मार्केट में लेके वो आती है. और जो कंपनी है स्पेसिफिक स्टेप्स लेती है जैसे एडवर्टाइज करती है अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को. देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट पोजीशनिंग. फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्ट पोजीशनिंग कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए. वो पहला क्या है, डिजाइनिंग क्रिएटिव प्रोडक्ट फीचर. यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उसमें क्या आउटस्टैंडिंग एडवांटेज है उस चीज को आपने क्रिएट करना है. जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो ज्यादा इम्प्रेसिव होने चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए देन योर कॉम्पिटिटर, जिससे जो आपकी प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो सक्सेसफुल हो पाए. देन नेक्स्ट इज साइजेबल एंड प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट. जो साइज है सेगमेंट का जो आपने चूज किया है वो इतना लार्ज होना चाहिए कि जो भी कंपनी पोजीशनिंग अपनी कर रही है वो उसे ज्यादा प्रॉफिट मिले. इसका मतलब कि जो मार्केट सेगमेंट है उसमें इनफ बायर्स होने चाहिए जो मार्केट को प्रॉफिटेबल बनाए, आइडेंटिफाइबल बनाए, ताकि आप अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सके. नेक्स्ट इज सेंसिटिव मार्केट सेगमेंट. सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपकी जो मार्केटिंग एफर्ट्स आप कर रहे हो उसके ऊपर आपको कितना रिस्पॉन्स जो है कस्टमर दे रहा है. जो कम्युनिकेशन मैसेज कस्टमर
ट्रांसमिट कर रहा है आपको, जो कंपनी एफर्ट किया, उस कंपनी ने एफर्ट किया, उसको कैसे कस्टमर जो है रिएक्ट कर रहा है. तो फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्ट पोजिशनिंग, जो कम्युनिकेशन मैसेज कंपनी ने डिजाइन किया है वो इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए बाय द कंज्यूमर. द नेक्स्ट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन. जो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है वो काउंटर प्लान है आपका, कि कैसे आप मीट करते हो चैलेंजेस को जो आपके कॉम्पिटिटर ने आपको दिया है एट द मार्केट प्लेस. तो जो पोजिशनिंग है, रीपोजिशनिंग है, आप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे भी कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट के लिए रिएक्ट कर रहा है. इन केस जो कॉम्पिटिटर है आपकी चैलेंज करता है पोजिशन, जो कंपनी की एट प्रेजेंट इमेज है उसको, तो आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा से रीपोजिशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जब पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए तो टूथपेस्ट, जैसे अगर हम बात करें दंत कांति पतंजलि लेके आया, तो उसने जो रिलेट किया दैट इज कि जो भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो नेचर से रिलेटेड हैं. और उसने टारगेट कैसे किया अपने कॉम्पिटिटर्स को, कि जितने भी बाकी सारे टूथपेस्ट हैं या जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एमएनसीज के हैं, वो बाहर के विदेशी प्रोडक्ट्स हैं. तो उन कॉम्पिटिटर्स ने क्या करना शुरू किया, जब वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट लेके आए तो उन्होंने उसमें नेचर के पार्ट को इंक्लूड करना शुरू किया. जैसे अगर हम डाबर की बात करें तो डाबर का जो नया एड आया उसमें उसने जो डॉक्टर वो दिखाता है, लेके आता है एड में, तो डॉक्टर दिखाता है कि जो पुराने आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं उनको यूज करके जो डाबर का टूथपेस्ट है वो क्रिएट किया गया है. तो यहाँ पर ये बेस्ट एग्जांपल आपका सूट करता है. द नेक्स्ट है आपका एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. जो प्रोडक्ट पोजिशनिंग है वो स्ट्रैटेजी है जो मैच करती है कंज्यूमर की सेल्फ इमेज को उसकी कंपनी के प्रोडक्ट इमेज के साथ. यहाँ पर जब आप पोजीशनिंग कर रहे हो तो प्रोडक्ट की जो इमेज है आपको इस तरीके से बनानी है कि जो कंज्यूमर है वो उसको रिलेट कर सके, जो भी उसका खुद का पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको उस प्रोडक्ट की पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे. और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग सफिशेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे वो क्या बाय करता है, क्यों बाय करता है, कैसे बाय करता है, कहाँ बाय करता है, कब बाय करता है, कितना बाय करता है. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होने चाहिए, तभी जो कंपनी है वो कन्विंस कर पाएगी कंज्यूमर्स को अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट इन मीटिंग कंज्यूमर नीड्स इफेक्टिवली. देन नेक्स्ट इज टारगेट मार्केट. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टारगेट मार्केट. मॉडर्न मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो शुरू होता है विद द डिफाइनिंग ऑफ टारगेट मार्केट. एक बार जो फर्म है उसने जब मार्केट सेगमेंट अपना आइडेंटिफाई कर लिया, उस मार्केट सेगमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो उसने आइडेंटिफाई कर ली, तो उसके बाद वो इवेलुएट करती है वेरियस सेगमेंट्स को और डिसाइड करती है कि उसे कितनी और कैसे जो मार्केट है उसको अप्रोच करना है. तो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को जब आप इवेलुएट करते हैं तो कंपनी दो फैक्टर्स को देखती है. सबसे पहला है कि ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस कितनी है सेगमेंट की, मतलब उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिव कितना है, कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, बेनिफिट क्या वहां से मिल रहा है, लॉन्ग रन में कितना अप्रोचेबल है, बेनिफिशियल है कंपनी के लिए. तो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस जो है सेगमेंट की आप इस इन फैक्टर से देखते हो. देन सेकंड चीज है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज, कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो जो सेगमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे मैच करते हैं या नहीं करते हैं. जब कंपनी चूज कर रही है अपनी टारगेट मार्केट को तो उसे ये देखना है कि जो एक पोटेंशियल सेगमेंट है उसके अट्रैक्टिव फीचर्स क्या है, जैसे साइज, ग्रोथ, लो रिस्क है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा. सेकेंडली जो कंपनी है उसे ये कंसिडर करना है कि उसे इन्वेस्ट उस सेगमेंट में करना है या नहीं करना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज. कई बार जो सेगमेंट है वो अट्रैक्टिव होता है लेकिन जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है वो उससे मैच नहीं करते, तो कंपनी वो उस टारगेट मार्केट को सेलेक्ट नहीं करती है. तो जो टारगेट मार्केट की सिलेक्शन है वो चॉइस है कि आपको क्या और कितनी मार्केट सेगमेंट्स को चूज करना है जिसमें जो कंपनी है वो कम्पीट करेगी. तो टारगेट मार्केट
जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके लिए जो मार्केटर है वो डिजाइन कर रहा है पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है और जो टारगेट मार्केट है वो डिमांड करती है ज्यादा रिसोर्सेज, तो आप अगर उस टारगेट मार्केट को चूज कर लेते हो तो आप वहां पे ज्यादा लॉन्ग रन के लिए जो कंपनी है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव अप्रोचेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हो व्हाइल सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट। पहला है शॉटगन अप्रोच। शॉटगन अप्रोच में क्या होता है कि टारगेट मार्केट को आप एक सिंगल यूनिट की तरीके से ट्रीट करते हो, एक एग्रीगेट मार्केट की तरीके से आप उसे ट्रीट करते हो। कोई स्ट्रॉन्ग डिफरेंस नहीं होता है कस्टमर के कैरेक्टरिस्टिक्स में और कंपनी डिसाइड करती है कि उसे एक सिंगल मार्केटिंग मिक्स लेके पूरी मार्केट में जाना है। तो नाउअडेज अगर हम कहें तो जो शॉटगन अप्रोच है वो वर्क सिर्फ तब करेगी जब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं डिफरेंट नीड्स को। तो जो आप अगर उन सब चीजों को आप अगर एक प्रोडक्ट में कंबाइन कर पाए तभी जो शॉटगन अप्रोच है वो आपको हेल्प करेगी। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि एक एचपी का लेजर जेट प्रिंटर है, अब वो खाली अगर लेजर जेट प्रिंटर होगा तो वो सिर्फ प्रिंटिंग के लिए यूज होगा। कॉपी अगर आपको करनी है तो वो डिफरेंट आपको मशीन लेनी पड़ेगी, स्कैनर यूज करने तो डिफरेंट मशीन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उन्हीं सब चीजों को एक में कंबाइन कर देते हैं तो आप पूरी मार्केट में अनडिफरेंशिएटेड जो स्ट्रेटेजी है उसे अप्लाई करके अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे 3-in-1 आपका हो जाता है कि एक ही एचपी के लेजर जेट प्रिंटर भी है, कॉपियर भी है और स्कैनर भी है, तो आपका जो टारगेट मार्केट है वो भी इंक्रीज होगा और आप वहां पर लॉन्ग रन के लिए जो आपके सब्स्टिट्यूट है उनसे भी कम्पीट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है हमारा राइफल अप्रोच। राइफल अप्रोच में क्या होता है कि जो टोटल मार्केट है आप उसे स्मॉलर सेगमेंट्स में ग्रुप करते हो और हर एक जो सेगमेंट है उसे आप डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स उसके अंदर अप्लाई करते हो। और इस केस में डिफिकल्ट है सेटिस्फाई करना नीड सभी सेगमेंट्स की एक ही टाइम पे, तो बेटर होता है कि जो भी आपने टारगेट मार्केट सिलेक्ट की है आप उसी को सक्सेसफुली और स्पेसिफिकली फोकस करो ताकि उसकी जो नीड्स है आप उसे फुलफिल कर पाओ। यहाँ पे जो डिफरेंस होता है टोटल मार्केट और टारगेट मार्केट में अलग अलग होता है, जबकि जो हमारी शॉटगन अप्रोच थी उसमें टोटल मार्केट और टारगेट मार्केट एक ही था, उसमें डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो राइफल अप्रोच है यहाँ पर टारगेट मार्केट और टोटल मार्केट आपकी अलग अलग है। टोटल मार्केट जो है वो ब्रॉडर टर्म है, जबकि जो टारगेट मार्केट है वो टोटल मार्केट का एक पार्ट है। तो आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस मार्केट को, किस सेगमेंट को जो है आपने सर्व करना है। और टारगेट मार्केट जो है अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो कंपनी को एक डेफिनेट ओरिएंटेशन देता है रिगार्डिंग इट्स मार्केटिंग डिसीजन, और उसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग करती है। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज नीचे मार्केट। नीचे मार्केट का मतलब क्या होता है? नीचे आप कह सकते हैं अगर इसका डिक्शनरी टर्म हम मीनिंग देखें टर्म का, दैट इज एक डिस्टिंक्ट जो आपका मार्केट होता है उसे के लिए हम नीचे मार्केट वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब जो टोटली बाकी सेगमेंट से या बाकी मार्केट से डिफरेंट है। जैसे हम सपोज एग्जांपल ले सकते हैं स्पोर्ट्स बाइक का, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक्स जो होता है वो सभी पर्सन्स यूज नहीं करते, जो सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और वो भी रेसिंग में इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ वो पर्सन्स उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो जो आपकी मार्केट है वो एक अलग से डिस्टिंक्ट मार्केट होगी जिसमें जो दूसरी टू व्हीलर्स हैं वो आपके साथ कम्पीट नहीं करेंगे। तो जो नीचे मार्केट है इसमें एक जो मार्केटर है वो ट्राई करता है कि वो अंडरस्टैंड करे कस्टमर की नीड्स को अच्छे तरीके से और उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज दे। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।